नमस्कार, आप देख रहे हैं हसनपुरा न्यूज एक्सप्रेस और इस वक्त हम मौजूद हैं एमएच नगर थाना क्षेत्र के हुसैना बंगरा जो ब्रह्मस्थान है वहां पे, और यहां पे न्यू फेमस ब्यूटी पार्लर एवं ट्रेनिंग सेंटर का भव्य उद्घाटन किया गया है सरपंच अरविंद सिंह जी और शेखपुरा पंचायत के भी सरपंच, इनके द्वारा उद्घाटन किया गया फीता काट कर। और यहाँ पे जो संचालन करता है इसके ब्यूटी पार्लर के न्याज अहमद और भी इनके जो फैमिली हैं वो संचालन करेंगे। यहाँ पर महिलाओं के लिए ये उपलब्ध है और मैं आपको बता दूं कि हुसैना बंगरा और रामपुर पंचायत के गांव देहात से जो महिलाएं अब हसनपुरा जाती थी उनके लिए ये अच्छा सुविधा है और यहाँ पे आके वो अपना ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड ट्रेनिंग भी कर सकती हैं, सीख सकती हैं, और जो भी शादी विवाह में जो ब्यूटी पार्लर का जरूरत पड़ता है, नीड पड़ता है, उसको फुलफिल करने के लिए ये बहुत अच्छा पहल है रामपुर पंचायत में। और मैं आपको बता दूं हुसैना बंगरा चट्टी का जो ब्रह्मस्थान है वहाँ पे मैं खड़ा हूँ और यहाँ पे ये उद्घाटन हुआ है न्यू फेमस ब्यूटी पार्लर एंड ट्रेनिंग सेंटर का। हम बातचीत करते हैं, आइए उद्घाटनकर्ता से और जो संचालन करता है उनसे भी बातचीत करेंगे। हमारे गाँव और जवार के लिए बहुत अच्छी बात है और ख़ास करके हमारे जो बहने हैं और आदमी के जीवन में तो ज़रूरी होता है ना कि हम लोग अच्छा रहें, थोड़ा स्मार्ट भी दिखें, अच्छा रहें। और ये लोग, इनका घराना ही मतलब कलाकारों का है, ये बहुत अच्छे कारीगर हैं ये लोग, और एक उनकी और अलग दुकान है यहाँ पे, तो बहुत अच्छे कारीगर हैं ये लोग। और इन लोगों से उम्मीद है कि बहुत मतलब ये लोग और इसको बढ़ाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रमोद कुमार दुबे। आज न्यू फेमस ब्यूटी पार्लर एंड ट्रेनिंग सेंटर का आपके द्वारा उद्घाटन किया गया, क्या कुछ कहेंगे इसमें? कहना क्या, जैसे मान लीजिए ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन है, बच्चे आएंगे यहाँ पे सीखेंगे, विकास का भी काम होगा यहाँ पे, यही कुल। और क्या बोलूँगा, क्या नाम है आपका? नवीन सिंह, जिला उपाध्यक्ष सरपंच संघ सिवान। आज ब्यूटी पार्लर का उद्घाटन हुआ है, क्या कहेंगे इस मौके पर? ये बहुत खुशी का मौका है क्योंकि इस इलाके में नहीं था, यहाँ से दूर दूर जाना पड़ता था, और यहाँ भी शादी के मौके पर जो भी चाहेंगे आप पर कराएंगे, और जिसका भी जो सीखना होगा आकर यहाँ पर सीखेंगे। क्या नाम है आपका? अजीमुल्ला खान। जिस तरीके से यहाँ पे ब्यूटी पार्लर नहीं था और गांव देहात के जो महिलाएं थी वो हसनपुरा जाती थी ब्यूटी पार्लर के लिए, अब यहाँ पे उद्घाटन हुआ है, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? बहुत खुशी की बात है, ये चौरी इलाका में खुला हुआ है, 20 गाँव से ये बीच में है। ये जब यहाँ पे दो भी काम होगा, यहाँ पे एक तो ब्यूटी पार्लर का भी काम होगा, यहाँ पे ट्रेनिंग भी होगा। तो जो भी बच्चियाँ अगर सीखना चाहती है, आपके चैनल के माध्यम से मैं सूचना दे रहा हूँ कि जो भी बच्चियाँ यहाँ पर सीखना चाहती हैं आप आके यहाँ पर ट्रेनिंग ले सकती हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि जो नियाज अहमद जो हैं वो यहाँ से 11 साल से यहाँ का सेवा कर रहे हैं यहाँ पर। वो उनका विचार में आया, सोचे ओचे तो बोले कि लेडीज भी हम खोल दें यहाँ पर। तो उनका हुसैना बंगरा चट्टी पर दुकान है न्यू फेमस जेंट्स का, आई लेडीज की खोले यहाँ पे। क्या नाम है आपका? आनंद कुमार कुशवाहा, जिला महासचिव जदुई युवा। लग रहा है आपको? बहुत खुशी लग रहा है देख करके। हाँ, और मेरा नाम अनवरी खातून है, ग्राम पोस्ट पंचायत रजनपुरा है, प्रखंड हसनपुरा जिला सिवान के रहने वाले हूँ। मैं जीविका सदस्य काम करती हूँ, मैं जमुना जीविका के सदस्य सीएम पद पे काम करती हूँ। पहले चैनपुर और हसनपुरा जाना होता था, जी अब नजदीक में जी, और मैं चाहती हूँ कि सब दीदियाँ भी यहाँ आए और लड़कियाँ भी आए और आके कुछ हुनर सीखे और आगे बढ़े, इनका नाम। आप खुद एक जेंट्स ब्यूटिशियन हैं और यहाँ पे काफ़ी दिनों से काम करते हैं, महिलाओं के लिए आज आपने ट्रेनिंग सेंटर और ब्यूटी पार्लर का उद्घाटन कराया आपके द्वारा, क्या कहेंगे इसमें? सबसे पहले मैं आपका चैनल का धन्यवाद देता हूँ जो आप इतना कीमती समय लेकर आए मेरे दुकान को एडवाइज करने के लिए, और यहाँ पे जितने भी मेरे गार्जियन मेरी माँ बहन आई हैं उनके साथ दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं मेरे जेन में जब से मैं यहाँ 15 साल से मेरा जेंट्स ब्यूटी पार्लर चलता था, और जो भी यहाँ पे लोग आते थे बोलते थे कि न्यास भाई एक ब्यूटी पार्लर खुल जाता तो हमारी माँ बहनों को चैनपुर हसनपुरा ले जाना पड़ता था। फिर मैंने दिल में विचार किया और ये कार्य करने का कार्य किया कि यहाँ की जो भी मेरी बहन माँ जो भी हैं जो जाती थी शादी विवाह में परेशानी का सामना ना करना पड़े, कि यहाँ पे कि मेरे गांव में ही है तो जो भी लाकर यहाँ पर रख छोड़ कर जाएंगे अपन बना कर चल जाएंगे, इसीलिए टाइम का भी बचत होगा और जो भी बच्चियाँ सीखना चाहती है उनको यहाँ सिखाया जाएगा। यही मेरा सपना था कि मैं एक ब्यूटी पार्लर का यहाँ खोलूँ और यहाँ की माँ बहनों का सेवा करता, जैसे मैं जेंट्स का सेवा करता था वैसे इनका भी मैं सेवा करूँ। मेरा फिरोज अहमद उर्फ न्याज। आज न्यू फेमस ब्यूटी पार्लर आपके द्वारा यहाँ पर खोला गया है रामपुर जो हुसैना बंगरा चट्टी ब्रह्मस्थान के पास, मैं आपसे जानूंगा कि इसमें क्या क्या सुविधा है। अस्सलाम वालेकुम,
इसमें सारी सुविधा है, थ्रेडिंग स्टेडिंग जो भी पार्लर का एडिटिंग है सब कुछ है इसमें, और पढ़ाई के साथ सिखाएंगे। और हम चाह रहे हैं कि मेरी गांव की बहनें सब अच्छे से सीखे, मेरे जैसे ही इसमें टैलेंट ही सब कुछ भरा रहे, और हम पढ़ाई के साथ सब कुछ सिखाएंगे। ट्रेनिंग सेंटर भी है, तो ट्रेनिंग के लिए क्या क्या प्रोसेस है? प्रोसेस है सब कुछ, जैसे कि ब्यूटी पार्लर में होता है HD मेकअप, थ्रेडिंग स्टेडिंग हाइलाइटिंग फेशियल जो भी वगैरह सब कुछ। जो ट्रेनिंग करने आएंगे महिलाएं बच्चियां, उनके लिए फीस स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से मतलब आप इसमें एडमिशन लेंगे? एडमिशन तो फिलहाल जैसे देंगे लोग उसके हिसाब से हम रखेंगे। मान लीजिए उसमें कोई ये दब भी होता है, कोई आय भी होता है। मान लीजिए गरीब तबके का अगर बच्चियां, उनके लिए क्या? हाँ, कुछ डिस्काउंट भी करेंगे और फ्री में भी सिखाएंगे गरीब बच्चे। हाँ, आज क्या क्या आप मतलब इसमें ब्याह शादी में भी सजाने के लिए भी? हाँ, यहाँ भी आ सकती हैं और हम बुकिंग के भी जाते हैं, घर पे भी जाते हैं। पूरे जो देखा जाए पंचायत और थाना एमएच नगर के अंतर्गत ये आता है, तो पूरे महिलाएं और बच्चियों के लिए क्या मैसेज देंगे यार? हम अपने बहनों लोग से यही मैसेज देंगे कि आप वो लोग मेरे जैसे सीखें और मेरे गाँव का और विकास हो, अच्छे से सीख कर मतलब जितना हो सके हम इससे और बेहतर बनाना चाहते हैं, क्योंकि मेरे साथ कुछ और स्टाफ भी रहे हैं और बड़ा ऊंचा मतलब ऊंचा हुआ हमारा नाम, हमारा गांव का नाम, हमारा भाई बाप का नाम। सब नाम बता दीजिए। हमारा नाम नेहा खातून है।